एक तरीका और पांच अलग इनकम सोर्स चैनल के आप लोग यहां पर देख सकते हो। मंथली जो इनकम है वो 166 से 2,700 डॉलर्स है मिनिमम। मैं यहां पर अगर बोलूं तो महीने के 13,000 रुपये ये आराम से कमा लेता है। और जो दूसरा चैनल है वहां पर आप लोग देख सकते हो ये वहां पर 1,100 डॉलर से लेके 16,800 डॉलर्स इनकम करता है, जो मिनिमम है 80,000 रुपये महीने। ठीक है, मैक्सिमम तो मैंने बताया ही नहीं, मैक्सिमम 2 लाख के ऊपर हो जाता है। मिनिमम 80,000 रुपए आप लोग भी कमा सकते हो जस्ट यूट्यूब पे कॉपी पेस्ट करके। तो आज मैं आपको बस एक तरीका बताऊंगा, उस एक तरीके से आप लोग यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो, रील से पैसे कमा सकते हो, शॉर्ट से पैसे कमा सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हो और इवन स्पॉन्सरशिप से भी पैसे कमा सकते हो। मतलब कि 5-in-1 तरीका बताऊंगा ऑनलाइन पैसे कमाने का। और ये करने के लिए क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, जीरो इन्वेस्टमेंट। एंड यहां पर आपको मैं बेशक यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में बताने वाला हूं। हाँ, आपको वीडियो बनाना होगा जो बहुत ही इजी होने वाला है। आपको ना ही फेस कैम करना है और ना ही आपको वॉइस ओवर करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको वीडियो को बनाना पड़ेगा और वीडियो बनाने के लिए आपको जस्ट 4 स्टेप्स को कॉपी पेस्ट करना होगा और उसके बाद आपके पास पैसा ही पैसा होगा। बट सबर करो बाबू भैया, करना कैसे है वो पहले समझो। तो सबसे पहले मोटिवेशनल ऑडियोस को कॉपी या फिर डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले वेबसाइट पे चले आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको सबसे ये जो पहले ब्लू वाला बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑडियोज आपको मिल जाएंगे जो कॉपीराइट फ्री है, बट हमें चाहिए मोटिवेशनल ऑडियो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स के नीचे ये जो मोर वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है, मैं दिखा देता हूँ, इस आपको मोर वाले बटन पर क्लिक करना है। इस मोर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो सिंपली फिल्टर्स को नीचे की तरफ आपको क्या करना है, स्क्रॉल कर देना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने वक्त यहाँ पर 7 नंबर वाला जो पेज का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोटिवेशन करके एक फिल्टर देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस वाले फिल्टर पर क्लिक करके ब्लू टिक लगा देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ब्लू टिक लगने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर अप्लाई योर फिल्टर्स पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर उसके बाद जितने भी ऑडियोस आएंगे वो सभी मोटिवेशनल टाइप का ऑडियो रहेगा। अब यहाँ पर आप किसी भी एक मोटिवेशनल ऑडियो को डाउनलोड कर सकते हो। अब एक ऑडियो पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको 10 से 20 और भी ऑडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए लीज ब्राउन का ये जो माइंडसेट डेवलपमेंट ऑडियो है इस पर क्लिक करता हूँ एंड कैसे डाउनलोड करना है वो बताता हूँ। तो सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जस्ट एक ही ऑडियो है इसके अंदर, वो भी 52 मिनट्स का, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर का ये ऑडियो है। एंड किसी किसी में 20-30 और प्लस ऑडियोज यहीं पर ऐड किए रहते हैं, वो सीरीज वाइज रहता है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट आप लोग MP3 फॉर्मेट में ही डाउनलोड करना। तो सिंपली MP3 पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको इस 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करना है। 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका ऑडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ऑडियो जब डाउनलोड हो जाएगा तब आपको क्या करना है, वापस से उस वेबसाइट पर चले आना है। उस वेबसाइट पर आने के बाद एक बार आप लोग ज़रूर से देख लेना कि वो ऑडियो है किसका, ठीक है, किसने दिया। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेस ब्राउन का ये ऑडियो, तो इसको आप लोग कॉपी करके पेस्ट कर लेना, क्योंकि आपको क्रेडिट पर जब आप लोग वीडियो अपलोड करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्रेडिट पे आपको लेस ब्राउन लिख देना है। जरूर से लिखना वरना बाद में कॉपीराइट आ सकता है। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल तो कॉपीराइट नहीं आएगा, तब भी एज ए आप लोग लिख देना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब वीडियो को कॉपी कहां से करना और डाउनलोड कहां से करना है चलो वो बताता हूं। उसके लिए आपको सिंपली pixels.com पे चले आना है। यहां पे आने के बाद आपको वीडियोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मान लो आपने जो ऑडियो डाउनलोड किया उस ऑडियो के किसी एक पोर्शन पे हार्डवर्क की बात की जा रही है तो सिंपली हार्डवर्क के सर्च कर देना, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो जो भी उस टाइप का हार्डवर्क रिलेटेड वीडियो रहेगा तो उसको आप लोग यहां से जिस भी रेजोल्यूशन पे चाहो उस पे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहां पर मान लो किसी ऑडियो के किसी एक सेपरेट पार्ट पे आपको यहां पर सक्सेस के बारे में बताया जा रहा है तो यहां पर सिंपली वापस से उस वेबसाइट पर आके सक्सेस लिख के सर्च करोगे तो यहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है वो तो पता चल गया, एंड ऑडियो के रिलेटेड ही डाउनलोड करना है, ठीक है, क्योंकि देखो ऑडियो के किसी एक पार्ट पर आपको सक्सेस के बारे
बारे में बताया जाएगा, फेलियर के बारे में बताया जाएगा, हार्डवर्क के बारे में बताया जाएगा, कंसिस्टेंसी के बारे में बताया जाएगा। तो उस तरह की चीज़ें आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वो भी यहाँ पर जो वीडियोज़ मिलेंगे आपको वो रहता है कॉपीराइट फ्री, तो इनको आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो। अब मान लो किसी ऑडियो के किसी एक पार्ट पर यहाँ पर आपको मोटिवेशनल टाइप की कुछ बातें कही जा रही है, क्योंकि देखो ऑडियो तो फुल टू मोटिवेशनल है, तो मोटिवेशनल वीडियोज़ तो लगेगा। तो यहाँ पर मोटिवेशनल सर्च कर लेना, और सर्च करने के बाद यहाँ पर जितने भी वीडियोस मिलेंगे उन सभी को आप लोग डाउनलोड करना, क्योंकि मोटिवेशनल टाइप की वीडियोस बनाओगे तो वो तो लगेगा ही, तो सबका सब डाउनलोड कर लेना। एक और वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ जहाँ से आप लोग फ्री में यहाँ पर कॉपीराइट फ्री वेबसाइट मतलब कॉपीराइट फ्री वीडियोस एंड इमेज भी डाउनलोड कर सकते हो। पहले वाले वेबसाइट से भी आप लोग कॉपीराइट फ्री इमेज डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड इस वाले वेबसाइट से भी कर सकते हो। इसका नाम है pixabay.com। अब देखो वीडियो ऑडियो फोटो तो मिल चुका है, बट एक दमदार मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एक वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एंगेजिंग बनाने के लिए। तो सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च करना बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर मोटिवेशनल स्पीच नो कॉपीराइट। तो ये सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे मतलब साउंड्स मिल जाएगा, जाके देख लेना कि कौन सा सबसे बेस्ट है। जैसे कि मान लो ये सबसे बेस्ट है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली 3 डॉट वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो शेयर का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके कॉपी लिंक कर लेना। उसके बाद आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाना y2made.com, यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर देना इस जगह पे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर MP3 वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके सिंपली ये जो डाउनलोड का बटन है उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद बैक आ जाना, उसके बाद वापस से डाउनलोड MP3 वाला बटन पर क्लिक करोगे तो जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो यहाँ से कॉपी या फिर डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा लिरिक्स या फिर सबटाइटल्स का, तो सबटाइटल या फिर लिरिक्स को कहाँ से कॉपी करना है चलो वो बताता हूँ। उसके लिए क्रोम ब्राउजर पर जाना है, वहाँ पर जाके आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल स्पीच टू टेक्स्ट, बस इतना लिख के सर्च करना। वहाँ पर जो पहला वेबसाइट आपको मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है। उस वेबसाइट पे आने के बाद उस वेबसाइट को धीरे धीरे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने वक्त आपको एक डेमो का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे जितने भी सेटिंग्स रहेंगे उसको वैसे ही रहने देना, छेड़छाड़ मत करना। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर इस वेबसाइट से आप लोग मिनिमम 50 सेकेंड के ऑडियो को ही टेक्स्ट फॉर्मेट पर कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपका ऑडियो है उसको 50 सेकेंड पर ट्रिम कर लेना। ट्रिम करने के लिए आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है ऑडियो MP3 एडिटर, यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ट्रिम ऑडियो पर क्लिक करके यहाँ से आपको मोटिवेशनल जो ऑडियो है आपका उसको यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। ऐड करने के बाद यहाँ पर ये जो आपको एंड का बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद 50 सेकंड पे सेट कर देना, उसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक करना। उसके बाद ये जो ट्रिम वाला बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद फाइल का जो नेम है वो कट करके हटा के आपको बस थोड़ा सा लिखा हुआ रहने देना है, एंड उसके बाद 1 लिख के सेव कर देना है। सेव करने के बाद वापस से उस वेबसाइट पर चले जाना है, एंड वहाँ पर जाके आपको चूज़ फाइल का ये जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद फाइल्स वाले ऑप्शन पर चले आना, एंड जहाँ पर आपका 50 सेकंड का वो ऑडियो रहेगा उस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको अपलोड होने देना है। अब उसके बाद आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो आपका ऑडियो फाइल है वो 50 सेकंड का वो अपलोड होने लगा, एंड वो कन्वर्ट भी होने लगेगा। अब ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, इस वजह से मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता है, बट थोड़े से टाइम के अंदर यहाँ पर जो आपका ऑडियो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट पर कन्वर्ट कुछ इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली ये जो वीडियो और ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो आपका टेक्स्ट है उसको आपको कॉपी कर लेना है कुछ इस तरह से। अब सभी का सभी जो टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेना इस तरह से। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो कॉपी का बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद आपके फ़ोन पे जो नोट वाला ऑप्शन रहता है या फिर नोट वाला जो ऐप रहता है वहाँ पे जाके आपको अपने जो टेक्स्ट कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, आपका जो लंबा सा ऑडियो है उसको 50 सेकंड पे इस तरह से ट्रिम कर लेना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार आपका ऑडियो हो सके ट्रिम उतने बार ट्रिम कर लेना। उसके बाद इस तरह से टेक्स्ट को कन्वर्ट करके यहां पर कॉपी करके पेस्ट कर देना, एंड इसी तरह से आपको पूरा का पूरा ऑडियो को कॉपी करके मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट पे कन्वर्ट करके यहां पर उस वेबसाइट से कॉपी करके अपने नोट वाले एप्लीकेशन पे पेस्ट कर देना है। तो सब कुछ आपने अपने फोन पे डाउनलोड कर लिया, अब उसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए काइनमास्टर को ऑन करो, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। उसके बाद आपको इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो इमेज एसेट्स का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके किसी भी एक इमेज को यहां पर आपको ऐड कर देना। उसके बाद इसको
लंबा कर देना इस तरह से टान के। उसके बाद यहाँ पर आपने जो मोटिवेशनल ऑडियो डाउनलोड किया था फर्स्ट पे, उसको यहाँ पर ऑडियो वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इस जगह पे ऐड कर देना है प्लस वाले बटन पर क्लिक करके। अब यहाँ पर जो मोटिवेशनल ऑडियो है वो ऐड होने के बाद यहाँ पर ऑडियो पे जो कहा जा रहा है, कहीं पर अगर किसी पार्ट पे कुछ सेकेंड के लिए अगर कहा जा रहा है सक्सेस के बारे में, या फिर कहीं पर कुछ लिखने के बारे में कहा जा रहा है, या फिर कहीं पर टीम वर्क के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ आपको उस तरह के क्लिप्स को ऐड करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कैसा भी क्लिप आप लोग ऐड कर दो, जहाँ पर जैसा कहा जा रहा है उस हिसाब से यहाँ पर आपको वीडियो क्लिप को सर्च करके डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड करना है, इस यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि आप लोग अगर वीडियो बनाओगे तो आप लोग फर्स्ट 5 से लेकर 10 मिनट का वीडियोज ही बनाना, ज़्यादा लंबा बनाने की कोई भी कोशिश मत करना, क्योंकि 5 से 10 मिनट इनफ है जो आपकी न्यू चैनल के लिए सबसे बेस्ट लेंथ है, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट की वीडियोज बनाने की कोशिश करना। और यहाँ पर जो ऑडियो है, ऑडियो पे आप लोग कहाँ पर मतलब वीडियो को ख़त्म करोगे, एक्चुअली 5 मिनट या फिर 10 मिनट में क्लिप को ख़त्म करना है ऐसा नहीं है। आपको ऐसे जगह पर वीडियो को क्लिप करना है, मतलब ख़त्म करना है, जहाँ पर लगे कि हाँ बात यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद कुछ और वो बोलने वाला है, तो उसके लिए पार्ट टू आप बना देना, इस हिसाब से आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो क्लियर हो चुका होगा। एंड इसी तरह से सिनारियो वाइज आपको वीडियो क्लिप्स को भी ऐड करना है, ऑडियो पे जो कहा जाएगा उस हिसाब से आपको ऐड करना है। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है, बट लेयर वाले बटन पर क्लिक करके, मीडिया वाले बटन पर क्लिक करके वापस से इमेज एसेट्स पर जाके ब्लैक इमेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो अल्फा बटन है इस पर क्लिक करके इसको 80% पे सेट करना, एंड उसके बाद इसको पूरा स्क्रीन पे जूम कर देना। अब यहां पर इसको और भी आप लोग कम कर सकते हो, ठीक है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद इस इमेज को उतना लंबा कर देना जितना वीडियो आपका लंबा हो। अब उसके बाद क्या करना है, नोट वाले एप्लीकेशन पे जाना है जहाँ पे आपने टेक्स्ट को पेस्ट किया था, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, वापस से कॉपी करने के बाद काइन मास्टर एप्लीकेशन को ऑन करना है। अब लेयर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद ये जो टेक्स्ट का बटन है इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। अब इसका एक लाइन को बस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और बाकी जितने भी लाइन्स है उसको हटा देना। अब एक लाइन को सेलेक्ट करने के बाद ओके वाले बटन पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर इस ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, इसको अच्छे से सेट कर लेना। सेट करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट वाले बटन पर क्लिक करके एक अच्छा सा फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है, एंड मतलब जो आपके व्यूवर्स है वो अच्छे से समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है। अब इसको लंबा कर देना, एंड लंबा करने के बाद यहाँ पर कट लगाना इस जगह पर जहाँ पर वो लाइन ख़त्म हो एंड दूसरा लाइन शुरू हो जाए, तो वहाँ पर क्या करना, वापस से एडिट पर क्लिक करना, सब कुछ डिलीट करना, वापस से पेस्ट करना यहाँ पर, एंड पहला लाइन तो आपने ऑलरेडी लिख दिया तो उसको हटा देना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा लाइन के बाद जितने भी लाइन है उसको भी डिलीट कर देना। अब उसके बाद दूसरा लाइन ऐड होने के बाद ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना, एंड उसके बाद ये लाइन जहाँ पर ख़त्म हो जाए वहाँ पर आपको सिंपली इस पर भी कट लगा देना है, ठीक है। ये जो पहला लाइन है वो ख़त्म हो चुका है, दूसरा लाइन शुरू हो चुका है, अब दूसरा लाइन ख़त्म हो चुका है, एंड यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, कट लगा देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर फिर से यहाँ पर इसको हटा के पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद पहला दूसरा लाइन को यहाँ से आपको हटा देना है, पहले और दूसरे लाइन को हटाने के बाद जो तीसरा लाइन है उसके बाद के लाइंस को भी आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद ये जो तीसरा लाइन है ये जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी आपको कट लगा देना है, एंड वापस से सेम चीज़ को करना है। इस तरह से करते रहना जब तक आपका वीडियो बन ना जाए। तो यहाँ पर आपका वीडियो, यहाँ पर मैं दिखाने के लिए जस्ट कुछ सेकंड का वीडियो बना रहा हूँ, बट आपको 5 से लेकर 10 मिनट का वीडियो बनाना है। अब यहाँ पर इस तरह से आपका कुछ एनिमेशन आपको दिखाई देगा, जहाँ पर जो कहा जाएगा उस तरह का जो है लिरिक्स या फिर सब टाइटल यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे कि लिरिकल वीडियोज रहती नहीं है गाने वाले, उसी तरह का सेम टू सेम यहां पर आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत एक अच्छा एनिमेशन ऐड करता है, बट यहां पर मैं आपको एक और एनिमेशन दिखाना चाहूंगा। तो क्लिप को अपने हिसाब से सेट करना, और अपने हिसाब से मतलब ये है कि आप लोग ऑडियो के हिसाब से सेट करना, जहां पर वो क्लिप रहेगा, जहां पर वो ऑडियो रहेगा उस हिसाब से सेट करना। अब यहां पर एनिमेशन ऐड कर सकते हो की फ्रेम पे क्लिक करके, उसके बाद इसको जूम करना, इससे क्या होगा कि ये एक सिनेमैटिक जैसा इफेक्ट देगा जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है।
मैं आपको इफेक्ट दे के दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग देखना कि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है देखने में वीडियो। तो इस तरह से आप लोग को हर क्लिप पे इस तरह का एक एनिमेशन आप लोग अगर लगा सकोगे तो वीडियो और भी ज़्यादा आई कैची रहेगा, एंगेजिंग रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो व्यूवर है वो कंटिन्यू वीडियो को देखता रहेगा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उससे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा एंड उसी से आपका चैनल भी सब्सक्राइब बढ़ेगा एंड चैनल का जो मोनिटाइजेशन वो भी हो जाएगा। चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ से यूट्यूब से पैसे कमा पाओगे। अब उसके बाद क्या करना है, फिर से ऑडियो लेवल पर क्लिक करना है एंड वहाँ पे जाके आपने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक डाउनलोड किया था उसको ऐड कर लेना। अब उसको ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली उस ऑडियो को जो उसका वॉल्यूम है उसको आप लोग 20 से लेके 15% पे रख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से एक बार सुन के सेट कर लेना। अब ऑडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑडियो है, तो उस हिसाब से आप लोग सेट कर लेना, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। आपका जो मेन ऑडियो है मोटिवेशनल ऑडियो वो ध्यान से मतलब क्लियरली सुनाई दे, उस हिसाब से बैकग्राउंड म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है वो आप लोग रखना। अब कुछ आपका वीडियो इस तरह से देखने में लगेगा। आप लोग चाहो तो और भी यहां पर एनिमेशंस इफेक्ट्स दे सकते हो, सिंपली उसके लिए लेयर वाले बटन पर क्लिक करना, उसके बाद यहां पर आपको इफेक्ट मिल जाएगा, स्टिकर मिल जाएगा, क्लिप ग्राफिक्स भी मिल जाएगी एंड इवन और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको आपको सिंपली जाके यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें उसको ऐड करोगे तो वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो वीडियो बनने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सेव एज वीडियो पर क्लिक करके आपको वीडियो को अपने फ़ोन पर सेव कर लेना है। Hello, my name is Les Brown. This is Mamie Brown's Baby Boy, and I want to thank you so much for joining us. You know, at this particular time, I want you to, first of all, pat yourself on the back and take the time to thank yourself. तो यहाँ पर आपका एक 5 से लेकर 10 मिनट का लॉन्ग वीडियो तो बन चुका है। अब आप लोग इसको अगर 30-30 सेकंड पे कट करते हो तो यहाँ से आप इस वीडियो को रील्स पे भी अपलोड करके पैसे कमा सकते हो, शॉर्ट्स पे भी अपलोड करके पैसे कमा सकते हो। बट लॉन्ग वीडियो पे पैसे कमाने के लिए आपके इस वीडियो पे अच्छा एक थंबनेल रहना चाहिए, अच्छा टाइटल रहना चाहिए, टैग्स अच्छे रहने चाहिए, तभी आप लोग यहां पर लॉन्ग वीडियो से पैसे कमा सकते हो। तो ये पार्ट वन था, पार्ट टू पे मैं बताऊंगा कि कैसे अट्रैक्टिव टाइटल, थंबनेल, टैग्स लगाए जाते हैं एंड अफिलिएट मार्केटिंग से आप लोग कैसे पैसे कमाओगे इस तरह की वीडियोस से, वो आपको पता चलेगा। तो वो जानने के लिए स्क्रीन पे दिखाए गए पार्ट टू वीडियो पे क्लिक करें।